भारत में हुए 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन को पूरी दुनिया ने सफल बताया है और देश की जमकर सराहना की है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर वर्ल्ड बैंक समेत तमाम वैश्विक एजेंसियों ने माना है। G20 में जहां भारत के प्रस्तावों पर एक के बाद एक सदस्य देशों ने रजामंदी दी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने पर भी इस समिट में एक तरह से मुहर लगाई गई। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। इंडियन इकोनॉमी को लेकर पीएम मोदी का सपना है भारत को साल 2047 तक दुनिया के विकसित देशों की लिस्ट में पहुंचाना और आने वाले 5-6 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर सामने आना। अब वैश्विक निकायों ने भी पीएम मोदी के इन सपनों पर अपनी मुहर लगा दी है। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ का कहना है कि ग्लोबल ग्रोथ के इंजन के रूप में भारत की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। गीता गोपीनाथ ने कहा है कि साल 2027-28 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वर्षों में भारत का ग्लोबल डेवलपमेंट में अहम रोल होगा और वैश्विक ग्रोथ में देश का योगदान 15% तक पहुंच जाएगा। हालांकि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने लेबर मार्केट में सुधार, व्यापार करने में आसानी, शिक्षा की गुणवत्ता और महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर विशेष जोर दिया है। गीता गोपीनाथ के मुताबिक भारत को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनकी विश्वसनीयता पर संदेह का कारण ही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था संतोषजनक गति से आगे बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए 6% से ज्यादा की वृद्धि का अनुमान जताते हुए उन्होंने कहा कि विकास के उच्च स्तर को बनाए रखने और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए संरचनात्मक सुधार जरूरी है। IMF की गीता गोपीनाथ ही नहीं बल्कि भारत से बढ़ते कदमों की सराहना दुनिया की तमाम ग्लोबल एजेंसियों ने भी की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इससे पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो अनुमान जारी किए जा चुके हैं उनके मुताबिक भारत 2027 में जापान और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच सकता है। 2014 में ये 10वें पायदान पर थी और आज ग्लोबल इकोनॉमी में 5वें पायदान तक पहुंच चुकी है। कोरोना काल में जब दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो चुकी थीं, तो इंडियन इकोनॉमी ने इस प्रकोप से उभरते हुए ऐसी रफ्तार पकड़ी कि पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना।